गुड इवनिंग गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज बारिश का मौसम सुबह से, तो मैं थोड़ी देर अपने काम पे गया, सीमेंट की बोरियाँ बेची थी कल, उसके पैसे कलेक्ट किए और मम्मी ऑफिस से आ चुके हैं। तो मम्मी ने अभी वीडियो देखी नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन देखते कि वीडियो देखने के बाद मम्मी के रिएक्शन क्या होते हैं। सब लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत प्यार दिया वीडियो को। हाँ जी है प्रीति, कोका कोला पिया इसने, कहता कोल्ड ड्रिंक खत्ती। आ गया मैं नीचे आ गया, नीचे चलता हूँ, नहीं तो मेरे पीछे पीछे ऊपर आ जाएगा ना। चले मम्मी कहने चले। तो मैं बना रहा हूँ गैया, मैंने प्याज काट दिए, लहसुन काट दिया, अदरक काट दिया, टमाटर काट दिया और मम्मी ने काटा है घिया। और वीडियो में ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लोग मेरे को बोल रहे हैं कि दीपू तुम्हें तो प्यार का बुखार ही चढ़ गया। देखी कब तेरी, हाँ जी कब, पर मैं साइलेंट करके देखी ऑफिस में, आवाज नहीं सुनी अभी आपने, क्यों वो है टाइम ना साथ है। अच्छा चलो वीडियो देखना, उसके बारे में बताना फिर मेरे को, ठीक है। चुपी चुपी डाल रखी। अच्छा ऑफिस में, ठीक है ठीक है। वो भी देखी है मैं। क्या वीडियो, आवाज सुनी? आवाज तो सुनने वाली मम्मी, उसमें वीडियो में आवाज की थी, आवाज बग्गी की सुनी है, मैंने सुनी। फिर आप सुन लो ना उसको। चला नहीं, शरारते नहीं करते। अच्छा पेन को मुंह में नहीं डालते। क्या कर रहे हो? वन टू कहता, वन टू थ्री फोर, उसको फोर तक काउंटिंग आती है। अपना फोन उठाओ और वीडियो लगाओ। फटाफट से ना सब्जी को तड़का लगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मम्मी सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गया और कर रहे हैं भगवान की आराधना पूजा अर्चना। तो मम्मी खाना बना देना, इसके बाद भूख बहुत लग रही है, ठीक है। ओके ओके, करो भगवान जी की आराधना, ठीक है। मैं भी नहा लेता हूँ उतनी देर में। गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले सिद्धू और नानी नहाए और नहा के पूरा तैयार होके घूम रहे, कहाँ जा रहे हो आप? ट्रॉली में, कब कहाँ जा रहे हो घूमने? घूमने घूमने करने जा रहा है। सुबह सुबह ना उठ के मन नहीं करता इस काम करने को, पर मैं आज 7 बजे उठ जा रहा क्योंकि मेरी ना पीठ में दर्द हो रही थी, पता नहीं सफ़र करके हो रही है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि घिया कद्दू खाओ ना तो उससे बायवादी होती है, उससे भी होती है। और ना अभी 8:30 बजे का टाइम, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं नहा के फिर सिद्धू के साथ थोड़ी देर खेलूँगा और कुछ काम करने हैं, खेत में भी काम करने हैं, घर पे भी करने हैं, तो उसके बाद एक भंडारा वहाँ पे जाके आना है। ये क्या बना रहे हो? मेरे को लगा मूली के पराठे पहले। प्रीति बना रही है पनीर के पराठे। सबसे पहला पराठा ना सिद्धू के लिए बनाएंगे हम, क्योंकि सिद्धू को ना भूख लग रही है, है ना? दीदी की दाल देखी जी, पनीर का शौक है, पनीर पनीर। मम्मी बच्चों के लिए अच्छा होता है? नहीं, हमने तो मम्मी हमें बचपन में पनीर खिलाया था, तभी हमारे दिमाग इतनी तेज नहीं है, पनीर खा के दिमाग नहीं तेज होता, तभी हम इतने शातिर नहीं बन पाए। मम्मी सारे दुनिया के बादाम खत्म करते पर दिमाग तेज नहीं होया साडा। और दो क्या लेना है? अखरोट। मम्मी दांत टूटे ना छोटे, देखना दांत कितने मजबूत है। मम्मी कौन से दांत तुम करते थे? मम्मी कितने दांत तुम करते थे बचपन में? आपने किसी को लगाया दांत? नानी नानी मम्मी आपकी बहू के दांत ठीक है? मम्मी आपने वीडियो देखी? मैंने दांत ठीक लगे। मम्मी आपने वीडियो देखी? क्या देखा वीडियो में? पैराग्लाइडिंग करती नहीं है, पैराग्लाइडिंग का शौक है और स्विमिंग का, स्विमिंग आती नहीं है, कहती स्विमिंग आपसे सीखूंगी। मैं क्या स्विमिंग आपको मम्मी भी सिखा सकते है ना? मम्मी दे दो,
फिर मम्मी और क्या देखा आपने वीडियो में, और क्या क्या सुना वीडियो में, क्या बोल रहे हो? मम्मी बताओ और क्या बोले? आपने रात को देखी वीडियो? बग्गी रखा है आज लोगों को, बग्गी दिखेगी। मम्मी और क्या सुना, और क्या सुना आपने, और बताओ, और बताओ। और करना है, और निकलेंगे तब बोलेंगे। हैं? अभी से याद भूल गया आपको? जी। पीछे बोला कर दीदी पीछे। नहीं। पीछे वो कर कर दी स्विमिंग वो कर लेनी। कादले। और क्या मम्मी? मम्मी आपको आवाज कैसी लगी लड़की की? प्रीति की तरह ना हो? प्रीति की मांगो तेरे को खाना बहनों ने तो दिया नहीं, वो वाइफ दे दे। नहीं, वो बोल रही थी, कहती मेरे को ना चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता, क्या आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हो? मैंने कहा हम नहीं बनाते, मम्मी बनाते हमारे। नहीं जे उदी सीखने दी रुचि होवे तो उन्नू सिखा दूंगी। हां पर चूल्हे के ऊपर बैठ के ना सर्दी में। नहीं असि एदा नहीं भी चूल्हे पर रोटियां बनानी है, जा केदा ए जादू का दिल करे चूल्हे पर बना लेवे, जदा मक्की दी रोटियां सेकनी होन ता चूल्हे पर बना। अगर मन करे चूल्हे की रोटियां खाने का ना काकू आ जाई, मैं जब तक कोई टेंशन नहीं हो। वो उसको लग रहा है मेरे को इग्नोर कर रहा है, चला गया देखो, चला गया। हां लेट गया नीचे। ये किसका है? आ जाओ, आओ आओ खाना खाओ। ये किसका प्लेट तू है? ना के आता मेरे लिए तीन चार पराठे लाने पड़े। बड़े बड़े दो दो पराठे तुम पहले मैंने खा। चल दो बनाए दोपहर को भंडारा है, वहां पे खाना। आज थोड़ा भंडारा खा लो। आज जे भंडारा कह दो। ओ नगानिया मंदिर। अच्छा अच्छा लो पहले नहा कर चाटा। हां देने दो इसको मेरे को, नहाने दो नहीं तो नहाने नहीं जानते मेरे को। कहां उड़ के जा रहा हूं, पर मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। पनीर पराठा और साथ में नींबू का साथ, मेरे को नींबू का अचार भी बहुत अच्छा लगता है और गल गल खट्टे का भी। ये कौन सा है? ये अपने वाला नहीं है? ये अपने वाला ये नींबू का अचार। बस फिर यही खा लो ना मैं। नहीं 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 यही ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ दो ले लें मैं, दो ले लें। नहीं मैं खा लेने दिखे ना। सिद्धार्थ अभी जस्ट सोया है, एक बजे करीब, कभी से उसको सुलाता था मैं तो उसको नींद नहीं ले रहा था। कभी मेरे को कार्टून देखने है, कभी गाना सुनना है, कभी गाना चेंज करो, कभी गाना बंद करो, और अभी जा करके सोया है। तो मैं भंडारे में जा रहा हूँ, खाना खा के आके इधर वहाँ पे सेवा करवा के फिर खेत में मेरे को काम करना। भंडारे में ना मैं तली चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, अगर वहाँ पे मंडे बने हुए तब ठीक है, नहीं तो फिर चावल खा करके पेट भर के वहाँ से आ जाऊँगा। आजकल ना सिद्धार्थ के सोने के जागने के भी मैं बाइक या स्कूटी ना घर के बाहर आके स्टार्ट करनी पड़ती है, नहीं तो आवाज़ सुन के उड़ जाता है। नहीं देख रहे चोल पी का पुनने भी है, चल रहे तो फिर नहीं देख रहे, ताई हमारी वीडियोस नहीं देखते है ना। पुनने भी है मैं फोन हो ला नहीं है देख ता देख ली तेरी नहीं मैंने देखी, चल देख लो चोल पी है पापा ने बोले बोल देख ले कल वाली है ना, जाने दे मैं थल्ले देख ला मत, ताई को भी पता नहीं अगर हाँ सुबह उठ जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे? 8:30 बजे। हाँ जी मैं उठा टेक के जाना, मैं उठा टेक के फिर ताई जाना ड्यूटी लो, तो 8-7 बजे चले जाऊंगे उठ के। तो उठ जाए, उठ जाए तो 7:30 बजे ना देख ली है ना। ठीक है ठीक है। फ्रेंड आए हैं और हमारे ताई, मम्मी के जैसा लगते हैं ऐसे, तो मम्मी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। ओए सिमरन थोड़े से कमेंट पढ़ के बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश भी हूँ। और कमेंट पर क्या है, कंग्रेचुलेशंस आपका फेस कितना ब्लश कर रहा है, इंडियन ब्लॉगर माही, उनका कमेंट आया ये तो वीडियो में ऐसे था भी। और जब मैं किसी के साथ होता हूँ, किसी के पास होता हूँ, तो मैं उसके सामने अपने आप को खुश रखता हूँ, ताकि दूसरे बंदे को ये ना लगे कि मैं मेरे अंदर नेगेटिविटी है या कुछ ऐसा है, मतलब अपनी दुख दर्द उनको नहीं बताता, तो अपने अंदर जो पॉजिटिविटी अच्छी अच्छी बातें वो बताता हूँ, ताकि सामने वाला बंदा खुश रहे, मेरे साथ बैठ के बोरिंग फील ना करे। और नम्रता शर्मा वाजिवा ट्रैवल विद मी माय वर्ल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी प्यारी जोड़ी लग रही है, आप दोनों को बुरी नज़र ना लगे किसी की, आज बहुत मज़ा आया ब्लॉग देख के, थैंक यू सो मच। इतिश्री बेहरा बग्गी की आवाज़ बहुत स्वीट है, हाँ यह बात है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और चुलबुले भी प्रीति की तरह है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रीति की तरह ना निकले, जो अपने ऐसे वैसे काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलने जाता। और
क्रिएटिव माइंड विद आद्या। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। अंजना गोहल कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीतिका रावल कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, बहुत लकी है वो लड़की जिसको आप मिलोगे। हाँ, ये बात तो मेरे को सब लोग बोलते हैं और उम्मीद है कि शादी के बाद मैं आपकी उम्मीदों पे और जो बग्गी है उसकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। तो उसको यहाँ पे आके अपने ससुराल वाली फीलिंग ना आए कि मैं ससुराल में हूँ, उसको ये लगे कि मैं अपने घर पे हूँ, अपने मायके पे हूँ। मम्मी का प्यार मिले, बहनों का प्यार मिले, मेरी बहनों का मेरा प्यार मिले और यहाँ के इन्वायरमेंट में उसका मन लगा रहे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी और प्रे करता भगवान से कि मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। बहुत सारे कमेंट आए, इतने सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन फिर भी सुमिन ओडिचा कॉन्ग्रेचुलेशन, हनी खान कॉन्ग्रेचुलेशन, नक्षिका शर्मा, दीपू भैया सच में आपको बग्गी मिल गई। हाँ, ये बात है, सच्ची में बग्गी मिलेगी। मनजीत कौर बग्गा बग्गी, नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच। दीपू सब माने हुए हैं, पागल मत बनाओ, आपका रिश्ता हो गया है इसके साथ। ये बात तो भाई क्लियर नहीं कर सकता, कुछ टाइम तक पता चल जाएगा। राजवाला देवी, हाय राम, दिल धक धक कर रहा है खुशी से, थैंक यू सो मच। आपका दिल धक धक तो कर रहा है और मेरा भी कर रहा था जब बग्गी गाड़ी में बैठी ना के, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ। और मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे को ज़्यादा चोटली करने नहीं आते, तो मैं जो बात मेरे दिल में होती है, जो दिमाग में होती है, वो यहाँ तक पहुँच जाती है और मेरे को घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। तो और जो साथ बंदा होता है ना, उसको मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि उसके साथ में कुछ ओवर एक्टिंग ना हो, बस ठीक है, जो नॉर्मल सा है वही। और ज्योति नरेंद्र भट्ट, दीवानी गर्लफ्रेंड छे, ये कौन सी लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज शायद, थैंक यू सो मच। रितिका रीत, ब्लेस जो दीपू वीरे, खुश रहो हमेशा। प्रोजेक्टा नंदी, वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, थैंक यू सो मच प्रोजेक्टा जी। इनके बहुत सारे कमेंट आते हैं, हर वीडियो में कमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट देख के। लव 82 बग्गा बग्गी, थैंक यू सो मच। नंदिनी धनानी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच दी। ये हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर, आई थिंक जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से इनके कमेंट्स आते हैं और काफ़ी टाइम से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूबी का, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, जल्दी शादी कर लो, देर ना करना, थैंक यू सो मच रूबी का जी। अब जब होगा तभी होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जब भगवान ने लिखा होगा ना कि शादी होगी तभी होगा, जब संजोग होंगे तभी दो दिल मिल के एक होंगे। मनजीत सिंह, इन्होंने हर्ट सेंड किए हैं, हर्ट और हार्ट, हार्ट HEART, हार्ट। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े ना, तो बाहर इतना आना जाना नहीं हुआ, और फिर भी काफ़ी हद तक सही है। AS गेमिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस बग्गा और बग्गी को, थैंक यू सो मच। टेंजिन सुंदुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुष्का परमेश्वर, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। सादिक तारिक, इस बग्गी के साथ प्रीति जी का रहना तो बहुत मुश्किल लगता है, वैसे बेस्ट विशेज, खुश रहो। आपने क्या सोच के बोला है कि बग्गी का प्रीति के साथ रहना मुश्किल लगता है? प्रीति की आदत है, वो चुलबुली है, बग्गी भी चुलबुली है, हमारी फैमिली में सबको एक तरह से प्यार वाला माहौल है, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, कुछ खाने पीने की रोक टोक नहीं है, लगाने लाने पाने की रोक टोक नहीं है, मतलब कुछ मेकअप करना है, कुछ पहनना है, उसकी रोक टोक नहीं है, कहीं आने जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो क्यों नहीं खुश रहेगी? और हमारे घर में मजाक होता है, एक दूसरे को खुश रखते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई हमारे घर में खुश नहीं रहेगा। इंद्रप्रीत कौर कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्लाइंग विद नम्रता, अरे वाह, सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से मिलवाओ और जल्दी से शादी कर लो, सही समय पर सब होना चाहिए, अच्छी बात है, बट आज का वीडियो सुपर से ऊपर वाला है, टू गुड, थैंक यू सो मच फ्लाइंग विद नम्रता। मोनू कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभकम सिंह गिल, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, गॉड ब्लेस यू, वी हैप्पी इन लाइफ। और कॉन्ग्रेचुलेशन के बहुत सारे कमेंट आए। रेनू कुमार, चलो अब लड़की ढूंढने की परेशानी खत्म हो गई, मम्मी जी के लिए बहुत देख ली दीपू ने, हाँ ये बात तो है। प्रणाली, आपकी मम्मी की कौन सी लैंग्वेज है, समझ नहीं आती, मिक्स है पंजाबी, एक्चुअली बॉर्डर एरिया है ना, तो फिर पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और हिमाचली दोनों मिक्स है ना, तो थोड़ा सा
उसमें पंजाबी और हिमाचली में एक लैंग्वेज आती है, जैसे बोलते हैं ना खिचड़ी पका दी, वही वाली चीज़ है खिचड़ी वाली। मितिका शर्मा, लड़की तो हमारी साइड की लग रही है, लोकेशन भी, वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मितिका शर्मा जी। सानाज होम डायरी, जिसका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ है वो अपना नाम बग्गा रख ले, वो बग्गे बहुत मुबारक हो, तुसी छा गए हो। कितने अच्छा कमेंट किए इनको, इन्होंने मेरे को सुन के हंसी आ रही है। पहले मन लग रहा था मेरे को सुन के हंसा आ रहा है, मेरे को सुन के बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि सिद्धू ने मेरा नाम बग्गा रखा तो बग्गी आ गई। शायद कुछ सिद्धू का बग्गी के साथ दिल से लगाव हो कि उस बग्गे के साथ बग्गी आ गई। पूजा पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों की जोड़ी बन रहे, आप दोनों साथ में रहो और खुश रहो। थैंक यू सो मच पूजा जी। आकांक्षा रावत, हाय भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आकांक्षा जी। खिजरा बटूल, आप बहुत सच सोच समझ कर फैसला करना। हाँ ये बात तो है, मैंने बहुत सोचा समझा, जांचा परखा, खरा बुरा सब कुछ देख के तभी फैसला किया। दो ड्रिंक तो ले लेते, एक ही ड्रिंक में दो स्ट्रो। वैसे बग्गी बिल्कुल प्रीति की कॉपी लग रही है, देखने में भी और आवाज़ भी। लेट सी नेचर भी वैसा हो, बिल्कुल चुलबुली सिंपल। हाँ ये तो है, चुलबुली भी है सिंपल भी है। और स्ट्रो वाली बात थोड़ी सी मेरे को समझ नहीं आई, फिर कभी इसको क्लियर करूँगा। परमजीत चीमा, दीपू असी भी पंजाब तो हाँ, जलंधर के पास कपूरथला से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कपूरथला मैंने देखा हुआ है, जब शायद अमृतसर जाते टाइम रास्ते में लिखा होता है कपूरथला फलाना किलोमीटर और ब्यास इतना किलोमीटर, अमृतसर इतना किलोमीटर। रोजीना परवीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, बग्गा एंड बग्गी बांग्लादेश से कमेंट कर रहे हैं, देखो कितनी अटैचमेंट है इनकी। थैंक यू सो मच। असी भी जलंधर तो हाँ, सानू पंजाबी बहुत चंगी तरह समझ आती है, सो नाइस ऑफ यू, बहुत खुश है तुहाडे लई। थैंक यू सो मच सीमा सवी जी। मेरे को पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग बोलते हैं खड़ी पंजाबी, प्योर पंजाबी बोलते हैं, तो मैं प्योर पंजाबी भी बोल लेता हूँ उनके साथ, और खिचड़ी वाली जो हमारी पंजाबी वो भी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत हिमाचली भी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत हिमाचली हिंदी है वो भी बोल लेता हूँ। मतलब जिस तरह का बंदा होता है ना, उस तरह से उनसे बात कर लेता हूँ। कोशिश रहती है कि सामने वाले बंदे को ऑड फील ना हो, कि मैं उनके साथ कौन सी किस लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, या फिर उनको थोड़ा सा अच्छा लगे मेरे साथ बात करके। इसलिए बारहवीं प्रिंस, आप नाइस, आप हमेशा हैप्पी रहो, वेरी नाइस, आप हमेशा हैप्पी रहो, थैंक यू सो मच। मैं पंजाब तो भाजी, बग्गी कितने रहते हैं, पिंड केड़ा, अभी बताएंगे टाइम आने पे। लाइफ विद नैनो, आपने मुलाकात ही नहीं करवाई, देखकर बताइएगा आप दोनों कैसे लगते हो, ऐसे क्या पता चलता है। मैंने कब बोला कि आप दोनों, हम दोनों कैसे लग रहे हैं, बोला मैंने वीडियो में, शायद बोला होगा। सिद्धू की बग्गी मिल गई मनुपुर, हाँ ये तो है, सिद्धू की बग्गी मिल गई। स्वातीज किचन, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपू भैया, थैंक यू सो मच स्वातीज किचन। लाइफ ऑफ निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सोनिया बबर, इन्होंने बहुत सारे इमोजी सेंड किए हैं। किंजल ब्रोड, एक दीपक एक सजेशन है, तुम इसको सोशल मीडिया की लाइफ से दूर रखना, नहीं तो वरना इसकी भी ट्रोलिंग होगी और आप शांति से नहीं जी पाओगे। ये बात तो सही है, स्टार्टिंग में जब कोई नया बंदा नया यूट्यूब पे आता है ना, तो उसको यूट्यूब की लाइफ अपनी रियल लाइफ से लगता है कि हाँ यार नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो फिर मतलब अपने ऊपर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो यूट्यूब की लाइफ जो है ना, जो नेगेटिव कमेंट आते हैं या पॉजिटिव कमेंट आते हैं उनको देख के खुश होते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको देख के दुखी होते हैं। तो कमेंट्स जो है ना, इनको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बैड कमेंट करते हैं वो भी हमारे फ़ायदे के लिए होती है, जो अच्छे कमेंट करते हैं वो भी हमारे फ़ायदे के लिए। बैड कमेंट से हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, अच्छे कमेंट से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमें एक बूस्ट मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने, अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उसको किस वे में लेना है, अब लोगों का काम क्या है कि लोग तो बोलते रहते हैं, सब कुछ बोलते हैं, अच्छी बातें भी बोलते हैं बुरी बातें भी बोलते हैं, तो हमारी लाइफ कमेंट से इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन जो नया बंदा यूट्यूब पे आता है, उसको लगता है कि यार लोग ऐसा बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा फील होता है। इस बात को मैं नोटिस करूँगा, किंजल ब्रोट जी जो आपने बोला है आपने सही बोला है, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन ये सोशल मीडिया वाली लाइफ जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि इसको अपनी लाइफ में किस तरह से लेना है। अमन चौधरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? बग्गी की शायद। आरती शर्मा, हेलो फ्रॉम जलंधर। हाय आरती शर्मा, और काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, मैंने बोला था ना अज सजना दी आई है सानू कल जलंधर, तो वो कमेंट ना मेरे को मिल नहीं रहे, बहुत सारे कमेंट आए हैं। और एक और कमेंट आया, हैप्पीनेस चैनल बहुत तेज लग रही है बातों में, दीपू कोई अच्छी लड़की से शादी करना प्लीज़, ऐसे ही कोई गलती मत करना, घर में एडजस्ट होने वाली हो, ये बहुत तेज़ लग रही है, छेड़छेड़ कर बहुत सेंसिटिव लड़की ढूंढो कोई, अगर आपकी मर्जी लेकिन इसका बायोडाटा देख लेना, सिर्फ पेंट वाली मत देखना। यार अब क्या होता कि जब मैंने कोई लड़की देखी है और YouTube पे बताई है उसके बारे में, उसकी बातें YouTube पे बताई, तो मैंने काफ़ी सोच समझ के ये स्टेप लिया है। और ऐसे आपकी बात सही है कि सोच समझ कर डिसीज़न लेना, जो आप बोल रहे हो ना कि छेड़छाड़ कर रही है, कुछ भी है, काफ़ी तेज़ लग रही है बातों से, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बातों बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, तो उनको कैसे पहचान सकते हैं? जो बंदा बोलने में होता है ना, जैसे मैं, मेरी जो बात होती है वो मुंह के ऊपर बोल देते हैं बंदे, तो जो बंदा बाहर से बोलने के लिए कड़वा होता है अंदर से ठीक होता है, जो लोग बाहर से मीठा बोलते हैं ना वो अंदर से ज़्यादा कड़वाहट होती है उनमें। तो इसलिए ऐसे आपकी बात नोटिस की मैंने कि आपने सही बोला। रजनी वाला, बग्गा अब जल्दी बग्गी ले आओ, बहुत इंतज़ार है आपकी शादी देखने का, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू रजनी वाला जी, फाइनली बग्गी मिल गई। मंजारी तिवारी, गीता कपूर कंग्रेचुलेशंस, नेहा शेट्टी कंग्रेचुलेशंस, सविता ठाकुर आप दसवा में हमारे घर जरूर आना, आप कमेंट करके बताना या इंस्टा पे कि आपके घर दसवा में किस साइड है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगा तो ज़रूर आऊँगा। और बस ऊपर रोड, ये हमारे वीडियोज़ में ज़रूर कमेंट करते हैं, मेरे को इनका कमेंट का इंतज़ार रहता है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। वाह दीपू, जय माता दी, सबका भला करे, सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू, मस्त, ऐसे कमेंट किया है तो बहुत अच्छा लगा। इंद्रजीत कौर संधु, वाह दीपू यू लुकिंग वेरी नाइस, ब्लैक शर्ट में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो आप, और क्या बात है, साथ में लाइफ पार्टनर भी है आज तो, सो नाइस टू सी यू, और सबसे बड़ी बात ये कि लॉन्ग ड्राइव पर अपने पार्टनर के साथ तो और भी अच्छा लगता है सफ़र, ऊपर से ये बारिश हो तो क्या कहने, गॉड ब्लेस यू बोथ। अब तो आपकी शादी का वेट हम सब कर रहे हैं, तो जब मैं घर से निकला था तो यहाँ पे बारिश नहीं थी, और घर से 50 किलोमीटर दूर जाकर के मेरे को बारिश शुरू हो गई, तो मैंने कहा यार कि कितना अच्छा मौसम, मतलब सोने पे सुहागा, बारिश रिमझिम बारिश लगी हुई थी, पंजाबी हाउसवाइफ, आवाज़ तो प्रीति की जैसी है, आपके फेस एक अलग ही ग्लो नज़र आ रही है जो लड़कियों के फेस पे शर्माते टाइम आता है। क्या होता कि जब कुछ ऐसी बात होती है ना, कुछ ऐसा बताना होता है, तो बंदे का चेहरा एकदम से खिल उठता है और दिल से अंदर से खुशी होती है, तब ये फेस के ऊपर सामने दिखाई देती है। और अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन जो बाकी कमेंट है उनको फिर हाईलाइट करूँगा, फिर बताऊँगा। मम्मी आप कुछ बोलना चाहते हैं वीडियो के एंड में? क्या? कुछ भी बोलना है चांदी पे, आज मैं सारा दिन कुछ नहीं काम किया है। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। तबीयत जी थोड़ी खराब जी हुई है, कुछ नहीं काम किया। चलो कोई बात नहीं।